उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के थाना रजबपुर क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां पर एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए हैं। सारे मामले में खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप ने बताते हुए कहा कि आरोपी अवैध तरह से हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था, जो इससे पहले भी हथियार बनाने के मामले में जेल जा चुका है। फिर उसने वही काम शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी इस जनपद से दूसरे जनपद में अवैध हथियार बनाकर सप्लाई करता था, जिसके पास से आधे बने तमंचे और हथियार बनाने की सामग्री बरामद हुई है। आरोपी का संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया गया है। ये आज रजबपुर थाना क्षेत्र में फैयाज नगर के पास एक शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से करीब 8 तमंचे, 16 नाल और शस्त्र बनाने के औजार बरामद हुए हैं। उसके खिलाफ पूर्व में 2 मुकदमे हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अच्छा सर, कहाँ से, किस तरह से काम पीछा करके देख क्या है? ये देसी असलहे बना के इस जनपद में तथा अन्य जनपदों में सप्लाई करते थे। तो इसको क्या अपराधी मुकदमे से पहले दर्ज है क्या? इनके 2 आपराधिक मुकदमे हैं पहले के, और ये एक तीसरा मुकदमा है।